शैम्पू को जग में डाल दो तो इसको रब कर लेना ताकि इसका झाग निकल जाए। इससे आप पता लगा सकते हैं चेंज करने से सारा चेन जितने भी गंदगी चेन में होती है सारा ये निकाल देता है। और इसको मैं अभी अच्छे से साफ करने वाला हूँ। एवरीवन वेलकम बैक। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्रैक प्रो कैलिबर 9.5 की सफाई कैसे की जाती है। और फाइनली मैंने थोड़ा बहुत सफाई कर ली है, अब उसको अच्छे से कैसे सफाई करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे नॉर्मल नॉर्मल थोड़ा आपको साफ किया था, बट अब अच्छे से मैं आपको दिखाता हूँ उस चीज़ को कैसे साफ किया जाता है। सो आपको करना क्या कि सिंपल से आपके पास 2 पैकेट शैम्पू होना चाहिए, यानी कि 1 रुपये का 1 शैम्पू मिल जाता है, क्रीमी प्लस है। सिंपल से लॉजिक बता रहा हूँ आपको। और अभी मैं सिर्फ 1 ही पैकेट का यूज़ करूँगा एंड एक अपने लिए सूखा कपड़ा रख लेना साथ में। आप शैम्पू को जग में डाल दो तो इसको रब कर लेना ताकि इसका झाग निकल जाए। उसके बाद एक कपड़े से इसमें से झाग करके लगा लेना और उसके बाद साइकिल को वॉश करना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 पैकेट सेम की जरूरत पड़ेगी, तो 1 पैकेट को मेरे इस टाइम को काम आएगा, 2nd पैकेट इसका बैकअप के लिए काम आएगा। तो अब हम 2nd पैकेट को वॉश करेंगे। एंड अगर आपको टायर भी अच्छे से साफ करने हैं कि टायर के सारे गंदगी बाहर निकालें, तो आपके पास एक ब्रश होगा जो कपड़े वॉश करते हैं, उस चीज़ से आपको टायर साफ कर सकते हैं, वैसे टायर भी साफ कर सकते हैं। एंड पीछे का गैस सेटिंग में अगर कुछ खराबी आ रही है या फिर कहीं गंदा हो रखा है, तो आप उससे ब्रश से भी साफ कर सकते हैं उस चीज़ को। तो फाइनली मैंने सारी वॉश कर लिए, अब इसको मैं अच्छे से धोता हूँ।
बार जब आप साइकिल धो लेते हो तो उसके बाद आपने साइकिल दो थोड़ा बंप करना ताकि जो पानी है जल्दी जल्दी नीचे गिर जाए। फिर आपने एक कपड़े से हल्के से उसको पॉलिश करना है ताकि पानी जल्द से जल्द साफ हो जाए। एक बार हमेशा याद रखें, अगर आपकी साइकिल महंगी हो तो तुरंत ही जब आप उसको पानी से साफ करें तो किसी कपड़े से उसको वॉश कर लें। अगर साइकिल में अगर पानी ज़्यादा देर रहा तो साइकिल ख़राब हो सकती है आपकी, इसलिए धोते एकदम से उसको कपड़े से वॉश कर लेना चाहिए। और याद रखिए, मैंने आपको कहा था कि एक सूखा कपड़ा होना चाहिए आपके पास ताकि लास्ट में जो भी इसमें पानी बचे उससे आप इसको साफ कर सकते हैं। सो फाइनली मैंने अपनी साइकिल साफ कर ली है। अब इसमें हम लगाते हैं चेन क्लीनर ताकि जो हमारे साइकिल में लगे। सो ये है हमारे पास चेन क्लीनर, इससे हम थोड़ा चैन में लगाएंगे ताकि जो अभी हमारा पानी जो चैन में गया था वो इससे साफ़ हो जाए और हमारा चैन स्मूथली साइकिल चले। अगर ये आपको परचेज़ करना है तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। ये चैन की सारी गंदगी बाहर से निकाल रही है, देखा आपने? तो चैन में भी इतने सारा गंदगी था हमारा तो इससे बाहर निकाल रहे हैं। ये देखिए कहीं ना कहीं चैन हमारा अच्छे से वॉश नहीं हो रहा अभी। अब हम करेंगे चैन वॉश। आप लोग की चैन क्लीनर देख सकते हैं, ये रहा बाइसाइकिल चैन क्लीनर, आपको साफ दिख रहा होगा। इसमें जैसे मैंने साइकिल साफ किया, देखिए चैन से इतना सब कुछ निकल रहा है मेरा। इससे आप पता लगा सकते हैं कि चैन क्लीनर से सारा चैन जितने भी गंदगी चैन में होती है सारा ये निकाल देता है। और इसको मैं अभी अच्छे से साफ करने वाला हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो फाइनली मेरा चैन जो है काफ़ी अच्छे से क्लीन हो चुका है और थोड़ा कहीं कहीं पर आ रखा है, इसको मैं अभी अच्छे से साफ़ कर लूँगा। सो गाइस ये चैन क्लीनर से मैंने इसको अच्छे से साफ़ किया। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।